हेलो फ्रेंड्स, वेल्कम इन माय चैनल। माय सेल्फ अतीश कुमार पांडे। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ क्लास सेवन डेली संतरण, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारे हिस्ट्री का पार्ट का। तो इस चैप्टर में हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स, कैसे वो डेल्टा, जहाँ पे सबसे पहले रिवर्स वगैरह के बारे में देखेंगे हम, और उसके बाद साथ में ये भी देखेंगे कि कैसे उन डेली संतरण बना, कैसे डेवलप हुआ, क्या क्या कैपिटल कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, ये सारी चीज़ें हम लोग देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इन दिस इन चैप्टर टू बी सा दैट, हम लोगों ने देखा था कि लाइक कावेरी डेल्टा बिकम द सेंटर, उस समय था लार्ज किंगडम का। डिड यू नोटिस दैट देयर वाज नो मेंशन इन द किंगडम विद दिल्ली एंड इट इज़ कैपिटल। कह रहा है आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि ये सारी चीज़ें किंगडम मतलब कैपिटल जो थी दिल्ली सल्तनत के साथ, मतलब दिल्ली कैपिटल के साथ नहीं मेंशन थी। दैट वाज बिकॉज दिल्ली बिकम एन इम्पॉर्टेंट सिटी ओनली इन दैट 20th century। मतलब कि उस समय जब कावेरी डेल्टा था, उस समय दिल्ली का कोई नाम वो तो था नहीं। पहले तो हमने पढ़ा था कि पहले कोई ऐसा मतलब कि कोई हम जैसे आज हम लोग का कैपिटल है पहले वैसे दिल्ली तो बाद में हुआ ना, उससे पहले उसका कोई नाम जिक्र नहीं था। अब आगे देखते हैं कि टेक अ लुक एट टेबल वन, टू एक अ लुक एट टेबल वन, दिल्ली फर्स्ट बिकम द कैपिटल किंगडम अंडर द तोमार रूल। सबसे पहले अगर दिल्ली किसके अंडर में बनी, तो तोमार राजपूत के अंदर में फ्रेंड्स बनी दिल्ली सल्तनत। ओहो हाईलाइट, हाँ दिल्ली सल्तनत जो तो तोमार राजपूत के उसमें बनी। अब यहाँ पे उसके बाद हु वाज डिफीटेड द मिडिल ऑफ द 12th century बाय द चहुंदो, जो किसके द्वारा डिफीट कर दिया गया, चौहान के द्वारा, जिसको चौहान के नाम से जानते थे आप अजमेर। मतलब वो सबसे पहले दिल्ली तोमार राजपूत के द्वारा बनाई गई, और जिसको चौहान लोगों ने क्या किया, चौहान डायनेस्टी ने क्या किया, उसको हरा दिया ऑफ अजमेर। इट वाज अंडर द तोमर एंड चौहान, ये किसके थे, ये अंडर द तोमर और चौहान के अंडर में थी। दैट दिल्ली बिकेम अ इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर, एक इम्पॉर्टेंट कॉमर्शियल सेंटर भी बन चुका था। एंड मैनी रिच जैन मर्चेंट्स लिव इन दिस सिटी एंड कंस्ट्रक्ट सेवरल टेम्पल्स क्वाइंस माइंटेड हियर कॉल्ड दिल्ली वाड़ा। मतलब यहाँ पे जो सारे रिच मर्चेंट्स होते थे यहाँ पे रहते थे, कंस्ट्रक्टेड सेवरल टेम्पल्स कंस्ट्रक्ट कराए थे, जिसको बोलते थे दिल्ली वाड़ा, दिल्ली वाल, और हैड अ वाइड सर्कुलेशन, मतलब काफ़ी एक लंबा चौड़ा फैला हुआ जगह था। अब द ट्रांसफॉर्मेशन दिल्ली इनटू द कैपिटल दैट कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब जो इसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ दिल्ली का एक कैपिटल के रूप में हुआ, और कंट्रोल वास्ट एरिया ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब सारे एरिया का, बहुत लंबे चौड़े एरिया का एक कंट्रोल इसके हाथों में था, मतलब यहीं से सारी चीज़ें कंट्रोल होती थी। तो स्टार्टेड विद फाउंडेशन ऑफ दिल्ली एंड संतरत इन द बिगिनिंग ऑफ द 13th century, और टेक अ लुक एट द टेबल वन अगेन एंड आइडेंटिफाई द 5 dynasty ऑफ द टुगेदर मेड दिल्ली सेंटर। अब यहाँ पे टेबल वन को देखेंगे और उसमें देखेंगे 5 dynasty ने कैसे, मतलब इसको क्या बनाया, दिल्ली सल्तनत के नाम से दिया, जिसमें लगभग 5 dynasties थे। तो यहाँ पे हम देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए टेबल है, देखिए फिरोजाबाद, फिरोज शाह, उसके बाद यहाँ पे देखेंगे, और उसके बाद तुलगाबाद, आदिलबाद, जगन्नाथपद, हौज खास दिल्ली, कुतुब मीनार, हाजी सुल्तानी, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे। तो द दिल्ली सल्तनत बिल्ट मैनी सिटीज़ इन द एरिया दैट वी नाउ नो एट दिल्ली। लुक मैप वन, यहाँ पे मैप हमने देखा, लोकेट द दिल्ली ऑफ कोहना, दिल्ली ऑफ कोहना कहाँ पर है, ये रहा आपका, मैंने ऑलरेडी हाईलाइट करके रखा है। तो श्री इन जगन्नाथपद, तो श्री मैंने यहाँ पे देखो, और जगन्नाथ आपका मैंने यहाँ पे साथ ये है, क्या है, श्री एंड जहन, जहाँ पना ये ऑलरेडी आपका हाईलाइटेड है। तो आगे बढ़ते हैं, इतना आप लोगों ने देखा कि पहले कौन बनाया, फिर चौहान आया, चौहान ने इनको हराया, ये सारी चीज़ें आपने देख ली। अब आगे बढ़ते हैं। अब फ्रेंड्स एक बात बताऊँ मैं, रूलर्स जो होता था दिल्ली का, रूलर्स जो थे आप लोग देखेंगे एकदम बढ़िया, कि जैसे देखो यहाँ पे देखिए राजपूत डायनेस्टी एकदम सिंपल से 1130 मतलब 1130 से 45 15 साल रहे। उसके बाद चौहान जी आते हैं, ये भी 1165 से 1192 में हराते थे। फिर पृथ्वीराज चौहान के बारे में तो सबने सुना होगा। अब उसके बाद 1192 तराइन का युद्ध याद करो, याद आया ना। अब इटली कुतुब तुर्किश रूलर, जो कि 1206 से 1290 चलता है, जो तुर्किश रूलर कुतुब मीनार, किसने बनाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया, क्यों बनवाया हम नहीं जानते, बनवाया लेकिन फिर भी बनवाया।
ठीक है, तो मीनार उसको बनाने का शौक था, हम लोग भी था शौक होता है, बट हम लोगों ने नहीं बना पाया। फिलहाल उसने नहीं बनवाया, उसकी जड़ उसने दी, बाकी स्ट्रक्चर उसने दी, बाकी तो आगे लोगों ने बनाया जो कि हम लोग देखेंगे। तो इसमें देखेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि 1206 से 1210 के बीच है, और शमसुद्दीन अल्तुतमिश जो 1210 से 1236 है, और रजिया जो होती हैं 1236 से 40, मतलब ये 40 साल लेती हैं, नो नो नो, हाँ 40 साल। गैसुद्दीन जो बलबन होता है 1266 से 1287, तो फ्रेंड 1266 1287 के बीच कितना टाइम है, तो चार करेंगे तो 17 के 21 ईयर्स। वाह फ्रेंड, सबसे ज़्यादा हमें लगता है इन सब में पता लगता है तो शायद किसने किया होगा, गयासुद्दीन, नो नो, 26 साल इन्होंने किया शमसुद्दीन इल्तुतमिश, और इन्होंने कितना किया 21, तो सबसे ज़्यादा शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने किया भाई, एकदम गजब का। वाह आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम लोगों ने देखा सबसे ज़्यादा शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने, उसके बाद चौहान वाली डायनेस्टी ने काफ़ी टाइम तक इन्होंने स्ट्रगल किया, और पृथ्वीराज चौहान भी काफ़ी टाइम तक चले। ये देखिए कितना प्यारा सा दिख रहा है सब, आजकल अम्बेडकर पार्क से तगड़ा यही दिख रहा है। तो अब यहाँ पे देखेंगे उसके बाद आती कौन सी डायनेस्टी, खिलजी डायनेस्टी जो कि 1290 से 1296 छः साल, और 1296 से 1316 जो कि बहुत मशहूर लोग हैं जो कि अलाउद्दीन खिलजी, इनका नाम बहुत जिक्र में किया जाता है मार्केट को लेके इनके, और इनके जो मैनेजमेंट था वो काफ़ी बेस्ट था। अब वहाँ पे तुगलक डायनेस्टी की बात, फिर उसके बाद तुगलक डायनेस्टी आती है, तुगलक डायनेस्टी में गयासुद्दीन तुगलक जो 1230 से 1324, और मोहम्मद तुगलक जो 1324 से 1351, और फिरोज शाह तुगलक जो 1351 से 1351 से 1388 के बीच होते हैं। तो फ्रेंड्स ये सारे चीज़ें थे, हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं आपको पढ़ने वाले हम लोग। सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे राजपूत, राजपूत डायनेस्टी में हमने देखा आंग, पहले तोमर के बाद हमने देखा था दिल्ली सेंट्रेट इन्होंने बनाया था, उसके बाद मतलब दिल्ली को कैपिटल इन्होंने बनाया था, फिर चौहान आजी आते हैं उनको हरा देते हैं, उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि इन्हीं से रिलेटेड होते हैं, मतलब रजिया कुतुबुद्दीन शमसुद्दीन रजिया के बाद गयासुद्दीन बलबन, फिर उनकी डायनेस्टी खत्म हो जाती, फिर आते हैं खिलजी डायनेस्टी में हमने अलाउद्दीन का काफ़ी, फिर तुगलक बाद तुगलक आते हैं, तुगलक बाद 1320 से 1414 के बीच तक काम करते हैं, मतलब कि यहाँ पर राज करते हैं। फिर आ जाते हैं सैयद डायनेस्टी के बाद क्या होता है, खिजर खान उनका लास्ट रूलर होता है, फिर लोधी डायनेस्टी होती है, लोधी के बाद फिर आ जाते हैं बकबर, और मुगल डायनेस्टी की हो जाती है स्थापना। फ्रेंड्स ये रहे हमारे दिल्ली सल्तनत में, तो हम लोग फिर से एक बार रिवाइज कर चुके हैं, एक बार तोमार, फिर तुर्किश, फिर खिलजी के बाद तुगलक, तुगलक के बाद सैयद के बाद लोधी। क्या आपको याद रखना है कि इसके बाद कौन आया, तभी आप बिल्कुल अच्छे से हिस्ट्री पढ़ने का मज़ा आ पाएगी। फ्रेंड्स हिस्ट्री का आपको पढ़ते समय ये बात बताऊँ, हिस्ट्री पढ़ते समय आप उसको रियलाइज़ कीजिए कि उस टाइम पे मान लो मैं प्रेजेंट होता तो मुझे क्या दिखता। आप एक न्यूज़ रिपोर्टर की तरह काम कीजिए, क्या कैसे करेंगे, मानिए अगर मैं यहाँ ये देखिए अभी ये किला है, ये युद्ध होने वाला, ये है वो, उस तरीके से आप इमेजिनेशन कीजिए। आप ये इमेजिनेशन कीजिए कि अगर राम के समय में और रावण राम के और उसमें रावण के समय में होता तो कैसा होता, उसमें न्यूज रिपोर्टर होता तो क्या होता। तो फ्रेंड्स ये होता। हाँ जी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, तो हाँ जी रामू बताइएगा कि वहाँ पर इस समय क्या हो रहा है। जी अभी मैं हाल ही में चला है, मैं रावण के घर के बाहर ही खड़ा हुआ, और हमें ये पता है कि अभी रावण जी निकलने वाले हैं, और अभी हम आपसे रिपोर्ट लाइव जुड़े हुए हैं। मैं बार बार जाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट यहाँ पे जो राक्षस लोग खड़े हैं वो जाने नहीं दे रहे, मुझे घूर रहे हैं, तो मुझे बहुत डर लग रहा है जिसके कारण मैं रिपोर्ट ही नहीं कर पा रहा हूँ। ये सारी चीज़ें ऐसे होती, तो वैसे ही आप हिस्ट्री को समझिए, वैसे इंजॉय कीजिए, आपको हिस्ट्री यूँ आ जाएगी। कैसे आ जाएगी, यूँ, मैं यूँ नहीं बता सकता कैसे होगा, बट यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। तो फाइंडिंग अबाउट द दिल्ली सल्तनत, तो अल्दो द इंस्क्रिप्शन ऑफ क्वाइन आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ इन्फॉर्मेशन, हमें क्या देखो अल्दो द इंस्क्रिप्शन हमें क्या करता है, हमें दिल्ली सल्तनत के बारे में कौन बता, इंस्क्रिप्शन क्वाइंस आर्किटेक्चर प्रोवाइड अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन, ये सारी हमारी इन्फॉर्मेशन, जैसे अगर हम कुछ आज पढ़ाई कर रहे हैं हम छोड़ के कुछ मान लो कुछ हुआ या ऐसा कुछ हुआ, तो हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे पता चलेगी, लोग कैसी भी आई कैसे ढूंढ लेते हैं, आते हैं हमारी सारी चीज़ों को छूते हैं, देखते हैं क्या है, तो उस चीज़ पे बेस पर सुनते हैं, तो उसी आर्किटेक्चर वगैरह उनका जो था उसी से हम उनके बारे में पता लगाते हैं। तो हिस्ट्रीज तारीख जो थी सिंगुलर और त्वारिक जो थी प्लूरल, रिटन इन पर्शियन एंड लैंग्वेज एंड एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द दिल्ली सल्तनत, मतलब ये सारी चीज़ें दिल्ली सल्तनत के एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम पर ही ये सारी चीज़ें लिखी गई थी। ये देख रहे हैं कुछ इमेज आपका ये बना हुआ है जो कि फोर स्टेट इन द मेकिंग ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट एंड प्रिपेयरिंग पेपर राइटिंग टेक्स्ट मेल्टिंग गोल्ड और उसके बाद फिर प्रिपेयरिंग बिल्ड बाइंडिंग, ये सारी चीज़ें करते थे।
देखिए यहाँ पेपर तैयार करते थे, फिर राइटिंग करते थे, फिर उसके बाद उसको सील्ड करते थे, उसके बाद फिर यहाँ पे उसको पैक करके आगे बेचते थे। यहाँ पे आगे देखेंगे क्या है, थोड़ा और आगे आगे। द ऑथर ऑफ तारिक बियर लर्न मैन एंड सेक्रेटरीज एडमिनिस्ट्रेशन पोएट कंट्रीज हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट एंड एडवाइज रूलर ऑन द गवर्नमेंट इम्पेजिंग इम्पोर्टेंट जस्ट रूल। कह रहे जो ऑथर है तारिक का, लर्न मैन, एक बढ़िया से सीखा वाला, मतलब बड़ा एक कहते हैं कि जैसे एक टीचर होता है लर्न मैन होता है वैसे, तो भी था। तो एडमिनिस्ट्रेशन पोएट एंड कंट्रीज हु बोथ रिकाउंटेड इवेंट एंड एडवाइज रूलर ऑन गवर्नेंस एंड इम्पेसाइजिंग, मतलब क्या करता था, जो पढ़ा लिखा होता था, जो रूलर्स होते थे उनको गवर्नेंस के बारे में बताता था। जैसे आजकल पढ़े लिखे जैसे मंत्री जो होते थे पढ़े लिखे, भले राजा अगर पढ़े लिखे नहीं होते थे तो उनको एक, जैसे आज लोग देखेंगे मुख्यमंत्री या विधायक होता है तो उनको सजेशन कौन देता है, उनके अंडर में उनके असिस्टेंट दिए जाते हैं जो मतलब जैसे प्रधानमंत्री उनको उनके अंडर में लगभग 20 से 25 IAS दिए होंगी, जो सारे लेक्चर्स को उनके लिखते हैं क्या बोलना क्या नहीं बोलना, क्या इफेक्ट पड़ेगा नहीं पड़ेगा। वैसे वैसे उस समय भी मंत्री हुआ करते थे या फिर उनके एडवाइजर्स हुआ करते थे, काफ़ी पढ़े लिखे होते थे, लर्न बैंड होते थे, तो ये सारी चीज़ें थी। तो द सर्कल ऑफ द जस्टिस सब फख्र ये मुसाफिर रूड इन द 13th century, किंग कैन नॉट सर्वाइव विदाउट सोल्जर एंड सोल्जर कैन नॉट लिव विदाउट सैलरीज। मतलब किंग सोल्जर के बगैर नहीं रह सकते, सोल्जर बिना सैलरी के नहीं रह सकते थे, और सैलरी कम फ्रॉम द रेवेन्यू, सैलरी रेवेन्यू से आती थी, और पीजेंट्स जो कि किसके द्वारा किया जाता, पीजेंट के द्वारा, तो सारे लोग किस पर डिपेंड थे, पीजेंट्स के द्वारा। देखो अब देखो पीजेंट राजा सैनिक के बगैर, सैनिक सैलरी के बगैर, सैलरी कहाँ आती थी, पीजेंट्स से। पीजेंट्स मतलब उस समय भी जैसे आज हम लोग अगर टैक्स ना दे तो गवर्नमेंट नहीं चलेगी, कुछ नहीं होगा ही नहीं, तो वो सारी चीज़ें उस समय भी वही चीज़ें थी। तो ये सब तो जन्मों जन्मों की कहानी है, तो जन्मों की कहानी तो जन्मों तक तो चलेगा चलेगा। हाँ अब आगे देखेंगे, तो कीप द फॉलोइंग एडिशन डिटेल माइंड। अब ये आपको फाइंड क्या भाई माइंड में रखना है, देख लेते हैं। द ऑथर त्वारिक लिव्ड इन सिटीज, सबसे पहले भाई साहब उस पहले से शहर में रहता था, मेनली कहाँ पे रहता था, दिल्ली, क्योंकि उसको कंट्रोल करने के लिए राजा के दिमाग लेने के लिए हमेशा राजा के पास होना चाहिए, राजा कहाँ रहता था, दिल्ली, तो वो भी दिल्ली ही रहेगा। एंड हार्डली सेवर इन विलेज, ते ऑफन बहुत वेयर केस में वो विलेज में जाता था, एंड ऑफन रोड दियर हिस्टोरी हिस्टोरीज ऑफ आवर सल्तनत होप्स रिच रिवॉर्ड। मतलब वो सल्तनत के बारे में पूरा हिस्टोरी लिख रहा था, भाई कुछ ना कुछ मिलेगा मिलेगा जरूर मिलेगा, हाँ मिल जाता था, मतलब रिवार्ड के लिए, अच्छे रिवार्ड के लिए मतलब लिखते थे। दीज ऑथर एडवाइज रूलर टू नीड टू प्रिजर्व एंड आइडियल सोशल एंड बेस्ड ऑन बर्थ ब्राइट जेंडर डिस्टिंक्शन और देयर आइडिया वेयर नॉट शेयर बाई एवरीबडी। मतलब जो सारी चीज़ें थी उनकी आइडिया किसी के द्वारा शेयर नहीं किया जाता था। अब आके देखते हैं, आगे पहुँचते हैं इन 1236 में, देखेंगे सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर रजिया एंड बिकम सुल्तान एंड क्रॉनिकल ऑफ एज मिनहाज सिराज। 1236 में मतलब इल्तुतमिश जब हमने देखा कि सारे लोग वैसे बारी बारी से हो जाते हैं, फिर इल्तुतमिश उनकी मतलब कि उनके पास इल्तुतमिश के पास कोई बेटा होता भी है तो उस तरह काबिल नहीं होता, तो उसके वो अपने बेटी रजिया को मतलब वहाँ का वो बनाता है राजा। तो जब वो बनती है रजिया सुल्तान वहाँ पे बनती है, तो रिकग्नाइज दैट थी वाज मोर एबल टू क्वालिफाइड दैन हर आर्मी ब्रदर। मतलब जो भी मैंने बताया कि अपने ब्रदर्स में से सबसे ज़्यादा क्वालिफाइड रहती इसलिए उसको बनाया जाता, बट ही जो आज इट वॉज नॉट कम्फर्टेबल फॉर हैविंग अ क्वीन एज रूलर नाउ नॉर वेर नोबल हैप्पी फॉर हिज अटेम्प्ट। मतलब ना तो वहाँ के लोग खुश थे और ना ही वो रूलर की लायक थी। तो कह रहा ही बट ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल, मतलब कम्फर्टेबल नहीं फील कर रही थी, लायक तो बहुत ज़्यादा थी, जो क्योंकि वो पहल नॉलेज थी, स्किल भी अच्छे थे उसके। सी वॉज रिमूवल फ्राम द थ्रोन 1226, उसको 1226 में हटा दिया जाता है। हम लोगों ने ऊपर टाइम देख लिया 36 से 24, मैंने बोला था ये बस 40 साल, अपने वहाँ भी बोला था उस समय, याद करो, हाँ गुड, इतनी अच्छी याद का तो आप लोग बादाम खाया करो। यहाँ पे देखो बर्थ राइट क्या होता था आपको भैया, कहते हैं जन्म के कुछ जीवन चर से मम्मा पप्पा मार दिए हों लेके तपला, मतलब फूट उठ गया हो तो उसी को बोलते हैं। जेंडर डिस्टिंक्शन क्या होता है, सोशल एंड बायोलॉजिकल डिफरेंट बिटवीन वोमेन एंड मैन। मतलब जेंडर डिस्टिंक्शन समझ रहे हो, मेल फीमेल ये सारी चीज़ें, तो ये सारे वेंस और वोमेन के बीच कुछ वो होते हैं जैसे पहना ओढ़ावा और सौन सौकत, तो ये सारी चीज़ें थी। वे व्हाट इज मिनहाज सिराज थ्रू अबाउट रजिया, अभी रजिया के बारे में सुनेंगे।
मिन्हाज सिराज थ्रू आउट द क्वीन रूल वेंट टू अगेंस्ट आइडियल सोशल ऑफ ऑर्डर क्रिएटेड बाई गॉड इन विच वुमेन वी आर सपोज टू बी सबॉर्डिनेट ऑफ मैन देयरफॉर आस्क देयर रजिस्टर्ड गॉड क्रिएशन सिंस हर अकाउंट डिड नॉट फॉल अंडर द कॉलम ऑफ मैन हाउ डिड सी गेन फ्रॉम हर एक्सीलेंट क्वालिटीज मतलब उसके लोग क्लास से भी अपनी एक्सीलेंट क्वालिटीज कैसे फाइंड करती है तो यहाँ पे ऑन हर इंस्क्रिप्शन क्वीन रजिया मेंशन दैट उन्होंने मेंशन किया सी वाज अ डॉटर ऑफ सुल्तान इल्तुतमिश रहती है सी दिस वाज कॉन्ट्रैक्ट टू द क्वीन रुद्रमा देवी 1962 से 1989 ऑफ द काकतीय डायनेस्टी वारंगल पार्ट ऑफ द मॉडर्न आंध्र प्रदेश चूँकि अब इस समय कहाँ पर है काकतीय डायनेस्टी आंध्र प्रदेश है रुद्रमा देवी चेंज हर नेम एंड इंस्क्रिप्शन एंड प्रिंटेड एंड सी वाज अ मैन अनदर मतलब वो काफ़ी कुछ रुद्रमा देवी से सबसे पहले सी दिस वाज कॉन्ट्रैक्ट सॉरी कॉन्ट्रास्ट टू क्वीन रुद्रमा देवी जो कि इतना वहाँ से 1262 से 1289 में काकतीय डायनेस्टी की थी पार्ट ऑफ जो कि कहाँ मॉडर्न मॉडर्न आंध्र प्रदेश में है तो रुद्रमा देवी चेंज हर नेम उन्होंने अपना नेम चेंज कर दिया था एंड प्रिवेंटेड सी वाज अ मैन अब उसको अपना और किसके द्वारा प्रिटेंटेड सी वाज अ मैन मतलब एक इंसान की वो की थी कि मैं एक आदमी हूँ अनदर क्वीन दिद्दा दूसरी क्वीन दिद्दा भी थी रूल्ड कश्मीर में जो शासन की थी टाइटल है इंटरेस्टिंग कम्स फ्रॉम दीदी उन्होंने टाइटल लिया था दीदी और एल्डर सिस्टर एंड ऑब्वियसली अफेक्शनेट जम गिवेनर लव्ड रूलर थ्रू द सब्जेक्ट मतलब वो एक इटली से क्या होता है कि हम जैसे हम लोग यहाँ क्रांति फ्रेंच रेवोल्यूशन से पढ़ा होगा कि आई वैसे ये लोग भी जो मतलब कि कुछ सीखते हैं तो बगल ही कि हाँ अगर वो कर सकता है मैं करना तो वो सारी चीज़ें अपनी मोटिव्स बताती है कि कौन कहाँ से बता अब आगे बढ़ते हैं खो जाती है हाँ आगे बढ़ते हैं मेजर सिटीज कैप्चर्ड बाई शमसुद्दीन इल्तुतमिश तो भाई सब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा छोटी सी बात मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स तीन दोस्त होते हैं मैं छोटी सी आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग करने वाला हूं देखिए तीन मेरा एक चुटकुला है जिसमें तीन दोस्त होते हैं अब तीन दोस्त होते हैं तो आपस में बातें कर रहे हैं क्या कर रहे होते हैं भाई मैं इतना गर्म चाय पीता हूँ तो अगला कहता है भाई कितना गर्म चाय तू पीता है कि भाई मैं इतना गर्म चाय पीता हूँ कि तुरंत छान के पी लेता हूँ तो वो कहता है ठीक है हाँ तू बता तू कितना गर्म पीता है भाई मैं इतना गर्म चाय पीता हूँ कि मैं छानता भी नहीं हूँ ऐसे पी लेता हूँ वाह अब उन दोनों ने मिलकर पूछा भाई तू तो बता तू कितना गर्म पीता है कि भाई मैं इतना गर्म चाय पीता हूँ इतना गर्म चाय पीता हूँ कि मैं जिसने मैं चीनी चाय पत्ती दूध सारा पी के खुद मैं चूल्हे पे बैठ जाता हूँ अब आप ही सोच सकते हैं कितना गर्म चाय पीता भाई क्या बंदा है चीनी चाय पत्ती खा के बताओ चूल्हे पे खुद बैठ जाता है भाई आप लोग ऐसे मत करना गर्म इतने भी पीने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे देखेंगे अलग अलग इंडस वैली झेलम नंदा डायनेस्टी नंदना लाहौर है और यहाँ पे ब्यास सतलज यहाँ पे सारी चीज़ें सुनम पेतवा भूटान ये देखिए दिल्ली है जहाँ से सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती है ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे क्या है लखनौती ये देख लेना अब हिंटरलैंड क्या होता था द लैंड एडजेसेंट ऑफ द सिटी जो सिटी के एडजेसेंट होता था पड़ोसी लैंड होता था हिंटरलैंड बोलते थे सिटी से सटा हुआ लैंड होता था हिंटरलैंड होता था गैरिसन टाउन क्या होता था फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद सोल्जर मतलब एक जहाँ किला वगैरह बना हो और एकदम सोल्जर मतलब प्रिपेयर्ड हो वो मेरा क्या होता था गैरिसन टाउन बोलता था इन दिस अर्ली 13th सेंचुरी कंट्रोल ऑफ द दिल्ली सेंट्रल रेली बेंट टू द बियॉन्ड हैवीली फोर्टिफाइड टाउन ऑक्यूपाइड गैरिसन द सुल्तनत सेल्डम कंट्रोल हिंटरलैंड एंड वी आर देयरफॉर डिपेंड अपॉन देयर ट्रेड एंड ट्रिब्यूट एंड प्लंडर फॉर द सप्लाई कंट्रोलिंग गैरिसन टाउन हमने देख लिया उसको किस तरह कैसे कंट्रोल किया जाता था इन डिस्टेंस बंगाल एंड सिंध फ्राम दिल्ली मतलब जो ये सारे डिस्टेंस है तो उनको कहाँ से कंट्रोल किया जाता था दिल्ली से कंट्रोल किया जाता था एंड डिफिकल्ट टू रिविलियन वार एंड फॉर द वेदर कुड स्नैप ब्राज़ील कम्युनिकेशन
कुछ और रूट्स वगैरह में वेदर वगैरह जो थी उस समय प्रॉब्लम करती थी। तो दिल्ली अथॉरिटी वाज एबल टू चैलेंज बाय द मंगोल, जो दिल्ली की अथॉरिटी थी मंगोल के द्वारा काफ़ी चैलेंजेस था, फ्रॉम अफगानिस्तान जो आते आते थे वो उनके लिए चैलेंजेस की बात थी, बाय द गवर्नेंस हु गवर्नर हु रिबेल्ड एट द साइन ऑफ द सुल्तनत वीकनेस, द सुल्तनत बेरली सर्वाइव दीज चैलेंज, इट्स कंडीशन अकर ड्यूरिंग द राइन ऑफ गयासुद्दीन बलबन एंड एक्सपेंशन अंडर द अलाउद्दीन खिलजी। पहले तो जो हमारा सबसे पहले जो कंसोलिडेट होता है सबसे पहले गयासुद्दीन बलबन के द्वारा किया जाता है, उसके बाद और एक्सपेंशन किसके द्वारा, अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के बाद एक्सपेंशन यहाँ पे होता है। तो चीज़ें हमने देखा कि कहाँ से कहाँ दिल्ली सल्तनत का यूज हो रहा है, मतलब कि कौन कौन कहाँ कहाँ किस पे अधिकार कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ द कंपेन अलॉन्ग द इंटरनल फ्रंटियर, सुल्तनत एम टू कंसोलिडेट हिंटरलैंड, मतलब इनका काम था कि हिंटरलैंड को कंसोलिडेट करना, गैरसन टाउन को ऑफ द जो हिंटरलैंड गैरसन टाउन के हिंटरलैंड को कंसोलिडेट करना। ड्यूरिंग दिस कैंपेन फॉरेस्ट वेयर क्लियर किए गए, गंगा यमुना दुआब एंड हंटर गैदरर्स पैस्ट्रोलिस्ट एक्सपेल दियर हैबिटेट। आगे बात करते हैं, पहले दीज लैंड वी आर गिवन पीजेंट्स, मतलब जो लैंड थे वो किसको, पीजेंट्स को दिए जाते हैं, एनकरेज उनको एरेज किया जाता है कि वो जितना लैंड पे खेती करेंगे उतना ज़्यादा क्या होगा, उतना ज़्यादा इनका टैक्स आएगा, उतने ज़्यादा अच्छे सोल्जर्स रख पाएंगे और उतने अच्छा सारा डेवलप हो पाएगा। तो न्यू गैरिसन टाउन एंड द टाउन वी आर इस्टेब्लिश्ड टू प्रोटेक्ट ट्रेड रूट एंड प्रमोट रीजनल ट्रेड, ये सारी चीज़ें। द सेकेंड एक्सपेंशन अकर्ड अलॉन्ग एक्सटर्नल फ्रंटियर एंड सल्तनत मिलिट्री एक्सपेंडिटर इनटू द सदर्न इंडिया एंड स्टार्टेड ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन एंड खिलजी। तो कल्मिनेशन ऑफ द मोहम्मद तुगलक देयर कंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर एलिफेंट हॉर्सेस स्लैब्स एंड कैरीड अवे प्रेशियस मेटल्स, मतलब क्या करते थे लोग, सेकेंड एक्सपेंशन इनका क्या था, जो एक्सटर्नल फ्रंटियर थे वो मिलिट्री को एक्सपेंडिट करते थे, कैसे करते थे। हाँ, तो इन दिस कंपेन सल्तनत आर्मीज कैप्चर एलिफेंट हॉर्सेज एंड स्लेव्स कैरीड अवे फ्रॉम प्रीसियस मेटल्स, मतलब उस समय जो कंपेन था सल्तनत में वो आर्मीज का काम क्या था, एलिफेंट हॉर्स स्लेव पैदल भी अवे फ्रॉम प्रीसियस मेटल्स, मतलब कि हम कहेंगे कि यहाँ के देखो इंडिया स्टार्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी जो कि मैप 3 में है, कल्मिनेटेड मोहम्मद तुगलक। तो इनके सारे कंपेन में क्या था, आर्मीज कैप्चर्ड कैसी थी, एलिफेंट थी हॉर्स थे भी और ये सारी चीज़ें और प्रेशियस मेटल्स इन लोगों के पास होते थे। बाय द एंड ऑफ द मोहम्मद तुगलक रेन 150 इयर्स आफ्टर सम हॉट हम्बल बिगनिंग ऑफ द आर्मीज ऑफ द दिल्ली सल्तनत हैड मार्च्ड अक्रॉस द लार्ज पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट, मतलब काफ़ी इनकी आर्मी फैल चुकी थी और ज़्यादातर लार्ज कॉन्टिनेंट पर थे, मतलब कि काफ़ी बड़े पैमाने पर हुए थे। और यहाँ पे देखेंगे दे हैड डिफीटेड राइवल आर्मीज ऑफ सी सिटीज एंड कलेक्टेड टैक्सेस फ्रॉम पीजेंट्री, मतलब काफ़ी इन लोग टैक्स वगैरह भी मिलता था। बट हाउ कम्प्लीट द इफेक्टिव वाज कंट्रोल ओवर द वॉश ट्रिटीज, मतलब ये सारी हमने पढ़ा तो कि मतलब वॉश ट्रिटीज थी लेकिन ये कंट्रोल कैसे किसके द्वारा की जाती थी ये देखेंगे। तो कैसे की जाती थी, सबसे पहले देखो दिल्ली यहाँ से कंट्रोल किया 1200 गुजरात, फिर चित्तौड़ मांडू, उसका देवागिरी, ये सारी जगह से और देवागिरी से ये सारी चीज़ें कंट्रोल की जाती थी। ये अब यहाँ पे ये चीज़ आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे आगे देखते हैं इनका जो साम्राज्य था कहाँ कहाँ फैला हुआ था कंपेन आप देख रहे हैं। तो आगे देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे कुवत उल इस्लाम, कुवत उल इस्लाम मास मिनरल बिल्ड ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड्स ऑफ द 20th सेंचुरी, दिस वॉज द कंग्रेशन ऑफ मास्क एंड फर्स्ट सिटी बिल्ड बाय द दिल्ली सल्तनत, पहली द्वार बनाया पहले दिल्ली सल्तनत पहली सिटी बनाई गई थी जिसको दिल्ली एक कुन्हा बोला गया, मतलब ओल्ड सिटी बोला गया। मास्क वाज इनलार्ज बाई अल्तुतमिश, किसको था अल्तुतमिश के द्वारा मास्क वगैरह बनाई गई थी जो मस्जिद वगैरह थी, एंड मीनार वाज बिल्ड बाई टू सुल्तनत कुतुबुद्दीन ऐबक एंड अल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ नॉर्मली मतलब इसका स्ट्रक्चर वगैरह दिया था, बाकी जो पूरा कराया उन्होंने इल्तुतमिश ने कराया था। अब मस्जिद क्या होती थी, द मॉस्क इज कॉल्ड मस्जिद, मॉस्क को जो वहाँ पे उसको क्या बोलते हैं मस्जिद। अरबिक लिटरेसी इज प्लेस वेयर द मुस्लिम पोस्ट्रेट रेवरेंस अल्लाह एंड दिस वाज मस्जिद
जामी और जामा मस्जिद के नाम से, मुस्लिम रीड दियर प्रेयर्स नमाज टुगेदर, वहाँ पर नमाज अदा करते थे। मेम्बर ऑफ द कॉन्ग्रेगेशन चूज एंड रिस्पेक्टेड लर्न मेल इंडियन लीडर्स एंड ड्यूरिंग द प्रेयर मुस्लिम स्टैंड फेसिंग मक्का, हमेशा जब प्रेयर के समय मक्का साइड में हमेशा पश्चिम की तरफ इन लोगों को मुँह करके नमाज अदा किया जाता है। ये माना जाता है कि पश्चिम की तरफ मक्का है, मतलब हमेशा प्रेयर जो होती होती है इनके यहाँ पश्चिम की तरफ ही करके किया जाता है। तो दिल्ली सल्तनत बिल्ड सेवरल मास्क सिटीज ऑल ओवर द सल्तनत एंड दिस इज डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स एंड प्रोटेस्ट इस्लाम। मुस्लिम मास्क आल्सो हेल्प टू क्रिएट सेंस ऑफ ए कम्युनिटी बिलीव्स, मतलब जो लोगों के अंदर जो बिलीव्स और सेंस आता है वो क्या कहते हैं, कहने का मतलब यह था कि दिल्ली सल्तनत सेवरल मास्क वेयर सिटीज एंड ऑल ओवर द सब कॉन्टिनेंट, बहुत सारे मस्जिद बनाए गए थे, डिमॉन्स्ट्रेटेड देयर क्लेम्स एंड प्रोटेक्टर्स ऑफ इस्लाम, मतलब इस्लाम के प्रोटेक्टर्स के लिए लोग क्या करते थे, बहुत सारे मस्जिद बना के रखे थे। तो हु शेयर्ड द बिलीफ सिस्टम एंड कोड ऑफ द कंडक्ट, जो क्या करता था, बिलीव करते थे कोड कंडक्ट एंड नेसेसरी लेंस एंड आइडिया ऑफ कम्युनिटी बिकॉज मुस्लिम केम फ्रॉम द वैरायटी ऑफ बैकग्राउंड, मतलब हर लोग अलग अलग कम्युनिटी और बैकग्राउंड से थे तो उनको एक आइडिया देते थे। जैसे हम लोग के यहाँ मंदिर से आने से चाहे जो भी है अलग अलग थिंकर्स मंदिर जाते हैं तो उनको एक आइडिया मिलता है हर चीज़ से, तो वैसे ही वहाँ से एक आइडिया उनको हर चीज़ के लिए मिलती थी। अब आइडिया का मतलब कि अच्छे विचार, ये सारी चीज़ें वही सारी चीज़ें वहाँ पर मिलती थी। एक क्लोजर लुक एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंसोलिडेट अंडर द खिलजी एंड तुगलक, अब हम देखेंगे खिलजी और तुगलक के बीच क्या था, खिलजी था क्या था और तुगलक। तो द कंसोलिडेशन ऑफ द किंगडम वास्ट एज दिल्ली सल्तनत नीडेड टू रिलेबल एंड गवर्नर एंड एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब गवर्नर्स की जरूरत थी एडमिनिस्ट्रेटर एंड रेदर देन द अपॉइंटमेंट एरिस्टोक्रेट्स एंड लैंडेड चीफ स्टैंड गवर्नर। दिल्ली सल्तनत स्पेशली इल्तुतमिस, दिल्ली सल्तनत उस समय मैन कुतुबुद्दीन ने वो बात इल्तुतमिस थे, फेवर्ड देयर स्पेशल स्लैब परचेज फॉर द मिलिट्री एंड सर्विस कॉल्ड बंदगान इन पर्सियन, दे वी आर केयरफुली ट्रेंड द मैन सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स ऑफिसर किंगडम सिंस वी आर टोटली डिपेंड अपॉन द मास्टर एंड सुल्तान को ट्रस्ट देयर रिली अपॉन देम। क्या होता था कि पहले क्या होता था कि देखेंगे कि जो वहाँ पे इल्तुतमिस फेवर्ड देयर स्पेशल स्लैब परचेज मिलिट्री, मतलब वो मतलब जो मिलिट्री परचेज करने के मामले में बहुत फेवर्ड होता था और उनको सर्विस वगैरह देने में, तो कि जो उसको क्या बोलते थे, बंदागन बोलते थे, क्या बंदागन बोलते थे इन पर्सियन, दे वेयर केयरफुली ट्रेंड टू मैन, फिर उसके बाद उनको क्या बोलते थे, वो लोग जो पर्सियन होते थे, पर्शियन में एक बंदागन होता था जो क्या मिलिट्री को ट्रेंड करते थे फिर राजा को लोग भेजते थे, ट्रेंड बाय सम मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉलिटिक्स ऑफिसर इन किंगडम एंड दे वेयर टोटली डिपेंड ऑन देयर मास्टर एंड सल्तनत ऑफ द ट्रस्ट अपॉन देम। तो इसमें क्या होते थे, सबसे जो वहाँ पे एक राजा होते थे, मतलब कहेंगे कि एक वहाँ पे एक मैन होते थे जो बिल ट्रेंड होते थे, जिनका काम होता था पूरे मिलिट्री को ट्रेंड करना। अब यहाँ पे स्लैब रेदर देन सन्स, तो सल्तनत सुल्तान्स वेयर एडवाइज, सुल्तान किसके द्वारा एडवाइज कहते थे, ए स्लेब होम वन ब्रॉड एंड प्रमोट मस्ट बी लुक्ड आफ्टर इट नीड टू होल्ड लाइफ टाइम एंड गुड लुक्स टू फाइंड वर्थी एंड एक्सपीरियंस स्लेब। यहाँ पे देखेंगे वाइज मैन हैव सेड दैट वर्थी एंड एक्सपीरियंस स्लेब आर बेटर देन सन, मतलब कि यहाँ पे देखा जाता सल्तनत को क्या एडवाइस दिया जाता था कि मतलब कि स्लैब ब्रॉट एंड प्रमोट मस्ट बी लुक्ड आफ्टर इट्स नीड होल लाइफ टाइम एंड गुड लक फाइंड वर्थी एंड एक्सपीरियंस स्लैब, मतलब उसको एक वर्थी और एक्सपीरियंस स्लैब बनाना चाहते हैं। वाइज मैन हैज सेड, जो बुद्धिमान काफ़ी होते थे कहते थे एक्सपीरियंस स्लैब बेटर देन सन, मतलब क्या करते थे कि अगर उनका मानना ये होता था कि हमारे साथ अगर बुद्धिमान व्यक्ति है तो मेरे बेटे से ज़्यादा वो मेरा मतलब काफ़ी कुछ प्रोग्रेस कर सकता है, इसका मतलब ये था। क्लाइंट क्या था, समटाइम्स समवन हु इज अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर, जो क्लाइंट क्या कहलाता था, जो दूसरा किसी दूसरे के समवन हु अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ अनदर आर डिपेंड और हैंगर ऑन, मतलब कि कोई जैसे मान लीजिए मैं अगर किसी के अंडर में हूँ तो हम क्या करें, क्लाइंट प्रोटेक्शन हमारे अंदर तो हमारे हम उसी पे किसी ना किसी तरीके से जो मेरे प्रोटेक्शन दे रहा है उस पर मैं कहीं ना कहीं डिपेंड हूँ, तो वही चीज़ होता है।
खिलजी एंड तुगलक कंटिन्यू टू यूज बंदागन, ये लोग भी बंदागन यूज करते थे, तो दे ऑल्सो रेज पीपल यहाँ पे देखेंगे तो खिलजी तुगलक कंटिन्यू यूज बंदागन यूज करते थे, ऑल्सो रेज पीपल हम्बल एंड बर्थ हु वेयर ऑफेंड देयर क्लाइंट, और क्लाइंट हमने देख लिया तो हाई पॉलिटिकल पोजीशन थी, दे वेयर अपॉइंटेड एज जनरेट एंड गवर्नर, एंड वो गवर्नर वगैरह को जनरेट करते मतलब अपॉइंट करते थे, उनको जनरेट भी करते थे, और हाउएवर ऑल्सो इंट्रोड्यूस एलिमेंट्स पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मतलब वो अपनी पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को भी इंट्रोड्यूस करते थे इस सारी चीज़ों से। जैसे हमारी क्या होगी कि अगर हमारे लिए विल्ड मिलिट्री पावर होगी सारी, तो हमारा पॉलिटिकल जो इंस्टेबिलिटी होगी काफ़ी इंप्रूवमेंट होगा, तो वो सारी चीज़ें इससे पता चलती थी। तो स्लेव एंड क्लाइंट वी आर लॉयल देयर मास्टर्स और पैस्ट्रोन्स एंड नॉट देयर हेयर्स, नॉट सुल्तनत न्यू सल्तनत हैज देयर ओन सर्वेंट एंड एज अ रिजल्ट एक्सेसन ऑफ न्यू मोनार्क सा कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द ओल्ड एंड न्यू नोबिलिटी, द पैट्रोनेज ऑफ देयर हम्बल बियर बाय दिल्ली सल्तनत एंड स्टॉक मैनी लाइट एंड ऑथर एंड पर्सियन त्वारिक, यहाँ पे पढ़ लेते हैं उसको समझा रहे हैं आपको, ठीक है। एंक्राइज एंड दिल्ली सल्तनत वॉज अपॉइंटेड लो बेस फॉर हाई ऑफिसर्स, देखिए जो स्लेव क्लाइंट थे जो किसके लॉयल होते थे, अपने जो मतलब कि जो उनको सिखाते वगैरह थे उनके प्रति एक आज्ञाकारी लॉयल्टी उनके अंदर थी, तो न्यू मोनार्क ऑफेंस अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ओल्ड एंड न्यू मोनार्की, जो नया जो मोनार्क होते थे वो पुराने और न्यू मोबिलिटी को दोनों के चक्कर थे, मतलब कि पिछले क्या थे और अब क्या है, तो द पैट्रोनेज ऑफ दिस हम्बल बियर बाय द दिल्ली सल्तनत आल्सो शॉक्ड मैनी लाइट ऑफ द ऑथर्स एंड पर्सियन तारीख, मतलब कुछ ऐसे सारी चीज़ें लोग होते थे तो मतलब काफ़ी चीज़ों को शॉक कर देते थे, कहना था मतलब कि शॉक्ड मैनी इलाइट्स, मतलब कि जो दिल्ली सल्तनत है तो हम देखेंगे हम्बल पीपल बाय द दिल्ली सल्तनत आल्सो शॉक्ड मैनी इलाइट ऑफ द ऑथर्स एंड तारीख ऑफ द इंटीरियर साइड दिल्ली सल्तनत फॉर अपॉइंटिंग लो बेस बॉर्न हाई ऑफिसर्स, मतलब जो लो बेस से मतलब लो बेस होते हुए भी हाई ऑफिसर्स पर मतलब अवेलेबल होते हैं, जैसे मान लीजिए हम बहुत लो बेस का हैं और फिर मैं हाई पॉलिटी पर हूँ तो अगले के लिए शौक होगा ना, तो वही चीज़ वहाँ पे था। तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स, ये वीडियो तो थोड़ी बड़ी होने वाली बट मैं आपको बहुत जल्दी नहीं समझाने वाला हूँ, आपको बिल्कुल अच्छे से समझाने वाला हूँ ताकि आपको बिल्कुल पूरा समझ आए। तो सुल्तान मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुमर, ये वाइन डिस्टिलेशन फिरोज हम्बल एंड बारबर मक्का एंड तबक द कुक एंड टू गार्डन लद्दाख लाधा एंड पीरा टू बी 14th सेंचुरी एंड क्रॉनिकल रिपोर्टेड देयर अपॉइंटमेंट साइन सल्तनत लॉस पॉलिटिकल। अब यहाँ पे देखिए मोहम्मद तुगलक अपॉइंटेड अजीज खुमर, ये वाइन डिस्टिलर का मतलब जो वाइन बनाता हो ये सारी चीज़ें, फिरोज बारबर मक्का एक मार्बर और एक तबाक ये सारी चीज़ें रखता था कुक वगैरह, वो यही चीज़ें के बारे में बताया गया है, तो इसमें कुछ है नहीं। हाँ, लाइक द एलियल सल्तनत द खिलजी एंड तुगलक मोनार्क अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर एज गवर्नर ट्रिटीज वेरिंग साइज दीज लैंड वी आर कॉल्ड इकता, इकता क्या बोला जाता है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो कह रहा है कि खिलजी एंड तुगलक मोनार्क अपॉइंटेड मिलिट्री कमांडर्स एज ए गवर्नर, मतलब ऑफ टेरिटरी, मतलब हर जगह का मतलब जो मिलिट्री कमांडर थे उन्हीं को गवर्नर नियुक्त करते थे, और दीज लैंड वियर और उनको जो लैंड होता था वो क्या होता था इकता होता था, एंड देयर होल्डर्स इज कॉल इकतादार, वो लैंड के होल्डर जो होते थे वो इकतादार होते थे। अब यहाँ पे और द मुक्ति, इकतादार को ही मुक्ति कहा जाता था, ड्यूटी ऑफ द मुक्तीज वाज लीड मिलिट्री कंपेन एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर देयर इकताज, मतलब उनको क्या काम था मिलिट्री को मेंटेन रखना और अपने लॉ और ऑर्डर बनाए रखना देयर इकताज, अपने इकताज में के बीच जो सारे लोगों के बीच क्या होना था ना अपने मिलिट्री पावर को बनाए रखना और सारी चीज़ों को देखभाल करना। इन एक्सचेंज फॉर देयर मिलिट्री सर्विस द मुक्ति कलेक्टेड टू रेवेन्यू दियर असाइनमेंट सैलरी दे आल्सो पेड दियर सोल्जर्स फ्राम द रेवेन्यू एंड कंट्रोल मुक्तीज, मतलब क्या होता था जो वो लोग रेवेन्यू पाते थे उसी सारी से अपने मिलिट्री और उसको कंट्रोल करते थे, ठीक है। एंड इफेक्टिव दियर ऑफिसर्स एंड इनहेरिटेंस एंड दे आल्सो असाइन इकताज फॉर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड बींग शिफ्टेड दीज हार्स एंड कंडीशन सर्वाइव,
सर्विस है। हिज राइग्रेसली इम्पोज ड्यूरिंग द रैन अलाउद्दीन खिलजी मोहम्मद तुगलक अकाउंटेड बी आर अपॉइंटेड बाई स्टेट ऑफ चेक अमाउंट ऑफ रेवेन्यू कलेक्ट एंड मुक्तीज। ये लोग भी मतलब कलेक्ट रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, मुक्तीज को फाइंड करने के लिए, सारी चीज़ें के लिए इन्होंने भी अपॉइंट कर रखा था। हाँ, तो केयर टेकन द मुक्तीज कलेक्टेड ओनली टैक्सेस प्रिस्क्राइब बाय द स्टेट एंड केप्ट रिक्वायर द नंबर ऑफ सोल्जर। मतलब कि जितने स्टेट में रिक्वायर होते थे उस हिसाब से फिर टैक्स लिया जाता था, उसी अकॉर्डिंग जो हमें सोल्जर रिक्वायर होते थे वो सारी चीज़ें रखी जाती थी वहाँ पर। तो एज अ दिल्ली सल्तनत ब्रॉट द हिंटरलैंड ऑफ द सिटीज अंडर द कंट्रोल दे फोर्स द लैंडेड चीफ एंड सामंत जो कि आर्स्टोक्रेट्स होते थे एंड रिच लैंडलॉर्ड्स एक्सेप्ट दियर अथॉरिटी। अंडर द अलाउद्दीन खिलजी स्टेट ब्रॉट असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू अंडर द ओन कंट्रोल। ये सारी चीज़ें अपने खुद में कंट्रोल में थे। द राइट ऑफ द लोकल चीफ मेंस लेवी टैक्सेस वेयर कैंसल्ड एंड दे वेयर आल्सो फोर्ड पे टैक्सेस। मतलब जो राइट था लोकल चीफ मेंस का, जो मतलब टैक्सेस कैंसिल कर दिया जाता है एंड सुल्तान एडमिनिस्ट्रेटर मेजर लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट्स। मतलब यहाँ पे देखिए राइट्स ऑफ लोकल चीफ एंड्स लेवी टैक्सेस वेयर कैंसल्ड। जो चीफ होते हैं उनका जो टैक्सेस होता है उसको कैंसिल कर दिया जाता है। लोकल चीफ एंड्स लेवी टू लेवी टैक्सेस, उनका लेवी टैक्सेस खत्म कर दिया जाता है एंड दे वेयर आल्सो फोर्स टू पे टैक्सेस। मतलब जो उनको थोड़ा सा रिलैक्स मिलता है टैक्स में उनको ख़त्म करके उनको टैक्स पे करने के लिए फोर्स किया जाता है। द सुल्तान एडमिनिस्ट्रेशन मेजर द लैंड एंड केप्ट केयरफुल अकाउंट। मतलब कि जो वहाँ के सुल्तान होते हैं अच्छे से लैंड को मेजर करते हैं, क्योंकि मेजर करने के बाद ही उनको टैक्स चाहिए होता है, तो उनको मेजर करके उस हिसाब से उन पर टैक्स लिया जाता था। तो सम ऑफ द ओल्ड चीफ एंड्स लैंड लॉर्ड्स सर्व सल्तनत एज रेवेन्यू कलेक्टर। मतलब कुछ लोग वहाँ चीफ एंड्स जो लैंड लॉर्ड्स थे वो रेवेन्यू कलेक्ट करने का काम करते थे। जैसे जो लैंड लॉर्ड्स थे उन्हीं को कह दिया जाता था आप ही रेवेन्यू कलेक्ट कर दिए। देर वेयर थ्री टाइप्स ऑफ टैक्सेज उस समय थी। पहला था ऑन द कल्टीवेशन कॉल खराज, जो कल्टीवेशन पर था वो खराज था अबाउट 50% पीजन प्रोड्यूस, जो 50% लोग थे वो प्रोड्यूस करते थे खराज। दूसरा कैटल पर और तीसरा था हॉर्सेज पर। तीन टाइप का था, जो खेती वगैरह के लिए था जो उनको पीजेंट्स बोला जाता था 50% थे, कैटल और हॉर्स, ये तीन टाइप्स के टैक्सेज आपसे जो वहाँ पे लिए जाते थे। अब इट इज इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट लार्ज पार्ट ऑफ द दिल्ली सब कॉन्टिनेंट रिमेन आउटसाइड ऑफ द कंट्रोल ऑफ दिल्ली सल्तनत। इट वॉज डिफिकल्ट टू कंट्रोल डिस्ट्रिक्ट प्रोविंस लाइक बंगाल फ्रॉम दिल्ली एंड सून एनेक्सिंग द साउथर्न इंडिया एंड इंटायर रीजन बिकम इंडिपेंडेंट एंड जेनेटिक प्लेन वियर फॉरेस्टेड एरिया। देखिए एक दिल्ली तो एक पॉइंट था, यहाँ से थोड़ा सा दूर पड़ रहा था उसको मद्रास वगैरह साउथ इंडिया को और इधर कोलकाता वगैरह को, मतलब कोलकाता वेस्ट बंगाल को, इन सबको थोड़ा सा लीड करने में काफ़ी इनको प्रॉब्लम हो रही थी। दैट सुल्तान फोर्स्ड कुड नॉट पेनिट्रेट लोकल चीफ एंड एस्टेब्लिश द रूल दियर रीजन। समटाइम्स रूलर्स लाइक अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक कुड फोर्स दियर कंट्रोल दीज एरिया बट ओनली फॉर द शॉर्ट ड्यूरेशन। उन्होंने इन सारी चीज़ों में कंट्रोल तो किया लेकिन ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाए, कुछ शॉर्ट पीरियड टाइम में। इसमें है इब्न बतूता, ये 14th century ट्रेवलर फ्रॉम मोरक्को। इब्न बतूता है जो कि मोरक्को अफ्रीका का था। एक्सप्लेन द चीफ एंड ऑफ सम टाइम, मतलब उसके बारे में आया और समय उसके बारे में इन्होंने कुछ लिखा है। देखते हैं क्या लिखा है कि 45 centuries ट्रेवलर्स फ्रॉम मोरक्को, यहाँ पे हाँ 45 देमसेल्फ माउंटेन इज रॉकी रिज प्लेसेज बेल बम्बू ग्रोव्स। इंडिया इज बम्बू इज नॉट हॉलो, इट इज़ बिग, एक बड़ी सी कंट्री थी। सेवरल पार्ट्स ऑफ द इंटरवाइंड एंड दैट इवन बी कैन नॉट बी अफेक्ट देम। मतलब अलग अलग पार्ट बनाए गए थे और एक दूसरे को वो अफेक्ट नहीं करते थे। दे आर होल वेरी स्ट्रॉन्ग, और वो एक साथ मिलाने बहुत स्ट्रॉन्ग थे। द चीफेंट्स लिव इन द फॉरेस्ट एंड विच सर्व देम टू रैम्पार्ट इन साइड एंड देयर कैटल एंड देयर क्रॉप्स। मतलब जो चीफ टेंस होते थे, मतलब कि फॉरेस्ट एरिया में रहते थे, वो क्रॉप्स उगाते थे, मतलब उसको सारी चीज़ों को ध्यान रखते थे। इन साइड विच देयर कैटल देयर क्रॉप्स देयर इज आल्सो वाटर ऑफ देम विद इन द रेन वाटर, उनका वाटर का सोर्स था रेन वाटर विच कलेक्ट देयर, वो जो कलेक्ट करके अपने खेती के लिए यूज करते थे। एंड दे कैन नॉट बी सबड्यूड एक्सेप्ट ऑफ द पावरफुल आर्मीज हु इंटर्ड दिस फॉरेस्ट।
कट डाउन द बम्बू एंड स्पेशली प्रिपेयर द इंस्ट्रूमेंट, मतलब को वो लोग जो बम्बू वगैरह थे उसको कट करके अपना इंस्ट्रूमेंट बना लेते थे, सारी चीज़ें करते थे, और वो अलग अलग पार्ट में डिवाइड थे, जो राज था हमारा अलग अलग पार्ट में डिवाइड था, और उसके बाद एक अगर उसको एक कर लिया जाता था तो काफ़ी बड़ी मात्रा में हो जाता था। तो मंगोल्स अंडर द चंगेज खान इन्वेडेड ट्रांस जूनियन एंड नॉर्थ ईरान 1219, द दिल्ली सल्तनत फोर्स देयर ऑन लॉर्ड सून आफ्टर द मंगोल अटैक ऑन दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। तो फ्रेंड देखेंगे कि जो मुस्लिम मंगोल थे जो चंगेज खान इन्वेडेड टैक्सोनिया, जो कि कहाँ पे पड़ता है आप लोग देखो कि नॉर्थ ईस्ट ईरान, जो कि यहाँ पे उसी समय चंगेज मंगोल जो होता था किसके अंडर में, चंगेज खान मंगोल डायनेस्टी, तो किसके चंगेज खान उन्होंने कहा ईरान में कहा नॉर्थ ईस्ट एरिया, तो दिल्ली सल्तनत तीर ऑन लॉर्ड ऑफ द सून, मतलब उनका काफ़ी दिल्ली सल्तनत के ऊपर नजर था। मंगोल अटैक द दिल्ली सल्तनत इंक्रीज ड्यूरिंग द राइन ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, उसमें अलाउद्दीन खिलजी के टाइम पे अटैक करता है एंड द अर्ली ईयर्स ऑफ द मोहम्मद तुगलक रूल, दिस फोर्स टू रूलर्स ऑफ द मोबिलाइज स्टैंडिंग आर्मी, उसी समय इस समय तुगलक भी होते हैं और ये भी, तो उस समय दिस फोर्स टू रूलर्स ऑफ मोबिलाइज लार्ज स्टैंडिंग आर्मी इन दिल्ली, मतलब अपनी आर्मी काफ़ी लगा देते हैं, एंड व्हिच पोज टू ह्यूज एडमिनिस्ट्रेशन चैलेंज दैट अस सी हाउ टू सुल्तान डील्ड विथ दिस, अब देखते हैं कैसे ये लोग डील करते हैं। यहाँ पे आगे एक अलाउद्दीन खिलजी और यहाँ पे ये मोहम्मद तुगलक, दिल्ली वाज अटैक ट्वाइस इन अ 12 इतना एंड इतना एज डिफेंसिव मेजर ऑफ अलाउद्दीन खिलजी रेड लार्ज स्टैंडिंग ऑफ आर्मी, अब सुल्तनत जो अटैक ऑन ईयरली ईयर मोहम्मद तुगलक एंड मंगोल आर्मी वाज डिफीटेड, मंगोल आर्मी को लोग हरा देते हैं, मोहम्मद तुगलक कन्फाइंड अबाउट द स्ट्रॉन्ग हिज आर्मी एंड रिसोर्स प्लान अटैक ऑन टैक्सोनिया, मतलब ये क्या करता है मतलब खुद की आर्मी को स्ट्रॉन्ग करके वो टैक ट्रांस जूनिया जो होता है वहाँ पे जो ईरान की कैपिटल है जहाँ से मंगोल थे उन पे हमला करने की सोचता है। अलाउद्दीन कंस्ट्रक्टेड ए न्यू गैरिसन, एक गैरिसन बनाते हैं टाउन नेम सिरी फॉर हिज सोल्जर्स, अपने सोल्जर के लिए सिरी बनाते हैं, लेकिन अब यहाँ पे देखेंगे तो कस्टिंग ए न्यू गैरिसन टाउन ओल्डेस्ट एंड फोर सिटीज दिल्ली दीवाल ये पुनः वाज इम्पटेज एंड रेसिडेंट ऑफ द सोल्जर गैरिसन एंड रेसिडेंट ओल्ड सिटी वी आर सेंट टू द न्यू कैपिटल दौलताबाद टू साउथ, मतलब क्या हुआ इन्होंने नए सिटी को पुराने सिटी को नए कैपिटल बनाया और इन्होंने भी गैरिसन टाउन रखा ओल्डेस्ट एंड फोर सिटीज के लिए, और ही वाज इम्पटीज रेसिडेंट ऑफ द दिल्ली गैरिसन, मतलब जो सोल्जर्स को रेसिडेंट मानते थे मतलब हाँ ये देखिए यहाँ पर थोड़ा सा वो द फोर सिटीज दिल्ली सल्तनत वाज इम्पटाइज टू रेसिडेंट एंड सोल्जर्स गैरिसन एंड दिस इज रेसिडेंट ऑफ ओल्ड सिटीज एंड सेंट ऑफ द न्यू कैपिटल एंड दौलताबाद, मतलब क्या होता था ये लोग ओल्ड सिटी को क्या करते थे नए सिटी में कन्वर्ट करते थे, मतलब न्यू कैप पुराने ओल्ड कैपिटल को चेंज किया करते थे लोग रेगुलरली। द सोल्जर हैड टू फेड दिस डन थ्रू द प्रोड्यूस कलेक्ट आयरन टैक्स ऑफ द लैंड बिटवीन गंगा एंड यमुना, गंगा यमुना उस समय काफ़ी फर्टाइल सॉइल थी, फिक्स्ड 50% ऑफ द पीजेंट यील्ड, मतलब 50% जो पीजेंट थे इसी पे थे क्योंकि यहाँ पे बेस्ट फर्टाइल सॉइल थी, तो सारी चीज़ें वहाँ से कलेक्ट की जाती थी, प्रोड्यूस फ्राम सम एरिया कलेक्टेड टैक्स फीड फ्राम द आर्मी, बट यहाँ पे आर्मी के द्वारा टैक्स कलेक्ट किया जाता है, बट मीट ऑफ एक्सपेंसेज मेंटेनिंग सच ए लार्ज नंबर ऑफ सोल्जर्स पे सुल्तान एडिशनल टैक्सेज भी दिए जाते थे एंड कंडक्टेड फेमाइन ऑफ द एरिया, मतलब सारे लोगों को सैलरी वगैरह देने के लिए कुछ एडिशनल टैक्सेज ये लोग छोड़ देते थे ताकि आगे कवर कर सकें। अगर यहाँ पे सोल्जर्स हैड टू पेड अलाउद्दीन क्रूज पे सैलरी कैश, यहाँ पे सैलरी को क्या दिया जाए कैश, तो मोहम्मद आल्सो पेड सोल्जर कैश, ये भी कैश देते थे, बट इंस्टीड ऑफ द कंट्रोलिंग प्राइस यूज टोकन करेंसी एंड लाइक प्रेजेंट डे पेपर करेंसी, जैसे पहले उस समय टोकन ये लोग यूज करते थे, तो यहाँ पे था इन्होंने रेदर देन एकता ये लोग कैश यूज करते थे एकता के बजाय, सोल्जर वुड बी बाय देयर सप्लाई फ्राम द मर्चेंट, वो अपना सब कहाँ से खरीदते थे तो सोल्जर अपना सप्लाई मर्चेंट से दिल्ली, इट वॉज द फियर्ड मर्चेंट वुड रेज देयर प्राइस टू स्टॉप द अलाउद्दीन कंट्रोल ओवर द प्राइस गुड, मतलब एक डर था इनके पास अलाउद्दीन के पास कि अगर मान लो मर्चेंट क्या करते हैं अगर प्राइस गुड बढ़ाते हैं तो इनका जो बाज़ार का कंट्रोल है इस पर नुकसान हो जाएगा क्योंकि पूरी तरीके से सारे माल किस पे डिपेंड थे व्यापारी लोगों पे, तो ये चीज़ें यहाँ पे हमने देखा। अब आगे बढ़ते हैं
अलाउद्दीन एडमिनिस्ट्रेशन मेजर बियर क्वाइट सक्सेसफुल एंड क्रोनोलॉजिकल प्रीस्ट हिज राइन फॉर इट चीप प्राइस एंड एफिशिएंट सप्लाईज। मतलब इनका जो मतलब ये था कि इनका राज उसमें चीप लाइट, क्योंकि इन्होंने बाजार वगैरह पे कंट्रोल, कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले सकता था या फिर कोई बाकी चीज़ों को भेज नहीं सकता था, ये सारी चीज़ें थी। तो उस समय मतलब इनका बाजार में पूरे तरीके से कंट्रोल था, इनको चीप प्राइस के लिए माना जाता था कि सस्ती से सस्ती चीज़ें उस समय बाजार में अवेलेबल थी। अब यहाँ पे मोहम्मद तुगलक की बात करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन मेजर बियर फेल्योर, यहाँ पे इनका फेल्योर रहता है। हिज कंपेन ऑफ कश्मीर वाज अ डिजास्टर, इनका मेन कंपेन क्या होता है कश्मीर में डिजास्टर। देन गैप हिज प्लान टू इन्वेट टेक्सोनिया, वहीं से इनका जो टेक्सोनिया को राज करने का वो था वो ख़त्म हो जाता है। एंड डिस्पेंडेड लार्ज आर्मी, मीनवाइल एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर क्रिएटेड कॉम्प्लिकेशन एंड शिफ्टिंग पीपल टू दौलताबाद पियर रिसेंट एंड रेजिंग देयर टैक्सेस इन द गंगा यमुना लेट वाइड सेपरेट रिबिलियन एंड फाइनली टोकन करेंसी टू बी रिकॉल्ड। मतलब क्या होता है, पहले ये अपना दौलताबाद जो अपने अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि दिल्ली से दौलताबाद कौन अपना वो सारा चीज़ शिफ्ट करता है, तो आप लोग बताओगे मोहम्मद तुगलक को। तो यहाँ पे देखेंगे इन द लिस्ट ऑफ मोहम्मद तुगलक फेल्योर ही समटाइम्स फॉरवर्ड दैट फर्स्ट टाइम इन हिस्ट्री सल्तनत। मतलब जो मोहम्मद तुगलक रहता है पूरी तरीके से फेल्योर हो जाता है समटाइम। दस फर्स्ट हिस्टोरी ऑफ द सल्तनत, दिल्ली सल्तनत प्लान कंपेन कैप्चर मंगोल टेरिटरी, अलाउद्दीन डिफेंस मेजर मोहम्मद तुगलक मेजर बियर कंसीव पार्ट ऑफ मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट मंगोल। अब यहाँ देखिए कि तुगलक जो फेल्योर समटाइम फॉरवर्ड टू फर्स्ट टाइम ऑफ हिस्टोरी सब्सटेंस, मतलब क्या होता है कि जो मोहम्मद तुगलक थे फेल्योर बी समटाइम्स फॉरगेट, मतलब कि ये फेल एक फेल्योर रहते हैं लेकिन एक चीज़ हम भूल जा रहे हैं, फॉर दिस दैट फर्स्ट टाइम हिस्ट्री ऑफ द सल्तनत दिल्ली सल्तनत प्लान कंपेन कैप्चर मंगोल टेरिटरी। मतलब सबसे पहले मंगोल टेरिटरी द्वारा अनलाइक अलाउद्दीन डिफेंसिव मेजर मोहम्मद तुगलक मेजर द बियर कंसीव्ड एंड पार्ट ऑफ द मिलिट्री ऑफेंसिव अगेंस्ट मंगोल्स। हमें देखेंगे कि जब उस मंगोल लोग अटैक किए थे मान लो, तो उस समय मोहम्मद अलाउद्दीन से ज़्यादा इन्होंने किसने रोल निभाया था, तुगलक ने, ये सारी चीज़ें थी, तभी तो दिल्ली को बचा पाए थे। तो सुल्तनत इन 15 एंड 16 सेंचुरी क्या थी, क्या कंडीशन थी सल्तनत की अपने, तो देख लेते हैं। तो टेक अ लुक ऑफ द टेबल बिगन यू विल नोटिस दैट आफ्टर द तुगलक एंड सैयद दत्त एंड लोधी, किन से तुगलक सैयद और लोधी रूल फ्रॉम दिल्ली आगरा अंटिल 1526 तक के लोग अपना रूल करते हैं, जौनपुर बंगाल मालवा गुजरात राजस्थान सेंटायर हेड इंडिपेंडेंट रूलर्स हु इस्टेब्लिश फ्लोरिशिंग स्टेट एंड प्रोस्पेरियस कैपिटल। दिस वाज अबाउट द पीरियड व्हिच सा इमर्जेंस ऑफ न्यू रूलिंग ग्रुप लाइक द अफगान एंड राजपूत। क्या बात करेंगे, सब स्टेट इस्टेब्लिश थी पीरियड बियर स्मॉल पावरफुल एंड एक्सट्रीमली वेल एडमिनिस्ट्रेटेड। देखो पहले इसमें जिसमें शेरशाह सूरी की बात करेंगे, 1540 से 1545 स्टार्टेड इज कैरियर एज द मैनेजर ऑफ स्मार्ट टेरेटरी से उन्होंने अपना कैरियर स्टार्ट किया था फॉर हिज अंकल और किसके साथ था एंड हाँ अंकल बिहार एंड यूरिजनली चैलेंज टू डिफीट मुगल, और उनके पास एक चैलेंज था मुगल को डिफीट करना। तो हुमायूं जो थी 1530 से 40 के बीच होते हैं, उसके बाद फिर शेरशाह आके हरा देते हैं। तो 1555 से फिर 56 के बीच ये फिर से अपनी जो कैपिटल होता है रिकैप्चर कर लेते हैं। शेरशाह कैप्चर दिल्ली एंड इस्टेब्लिश हिज ओन डायनेस्टी एंड सूर, जिसको बोलते हैं सूर डायनेस्टी। सूर डायनेस्टी कौन चलाता है, तो शेरशाह सूरी है। रूल वर्नी 15 ईयर्स 15 साल राज करता है, जो कि 1540 से 45 15 ईयर्स और इसमें सॉरी यहाँ 15 ईयर रूल फॉर ओनली 15 ईयर्स हाँ 1555 इंट्रोड्यूस एडमिनिस्ट्रेटिव एंड फॉरवर्ड एलिमेंट अलाउद्दीन खिलजी एंड मेड देम मोर इफिशियंट। शेरशाह एडमिनिस्ट्रेशन बिकम मॉडल फॉलोड बाय द ग्रेट एम्परर अकबर। मतलब इसका जो शेरशाह का जो मेन रूलिंग होता है ये कौन फॉलो करता है, अकबर, क्योंकि हुमायूं के बाद कौन आता है, अकबर। अकबर किसकी स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, तो शेरशाह सूरी की। अब यहाँ पे देखेंगे कि द थ्री ऑर्डर ऑफ द पीस ऑफ गॉड नाइट एंड पॉस्चर। तो यहाँ पे देखेंगे कि आइडिया थ्री ऑर्डर्स ऑफ द फर्स्ट फंडामेंटल फ्रांस, पहला क्या होता फ्रांस इन द अर्ली 11th सेंचुरी। इट डिवाइडेड सोसाइटी इनटू थ्री क्लास, सोसाइटी को तीन क्लास में था, दोज हु प्लेड दोज हु फाट, मतलब एक प्ले ग्रुप और दूसरा
और दूसरा क्या था, हु टाइटल लैंड, एक थे टिल्ड जो लैंड को टिल्ड करते थे, एक युद्ध में लड़ाई करते थे, एक प्रेड, एक आस्था रखते थे प्रेड मतलब कि एक पूजा पाठ, दूसरा धार्मिक कार्यों में एक सेनापति के, और तीसरा क्या था टिल्ड द लैंड। दिस इज डिवीजन ऑफ सोसाइटी इंटू थ्री ऑर्डर, और सोसाइटी इन्हीं तीनों में बटी हुई थी। दिस हेल्प द इमर्जेंस ऑफ न्यू वॉरियर्स ग्रुप कॉल्ड नाइट्स, मतलब ये इमर्जेंस करता था न्यू वॉरियर ग्रुप्स को जिसको बोलते हैं नाइट। चर्च पेट्रोनाइज ग्रुप ऑफ यूज एंड पेट्रोनाइज आइडिया ऑफ पीस ऑफ गॉड, मतलब जो चर्च वहाँ का था वो पीस ऑफ गॉड मतलब कि गॉड का एक सिंबल था। अब यहाँ पे अटेम्प्ट वॉज डायरेक्ट बैरियर अवे एंड कॉन्फ्लिक्ट एमंग देमसेल्फ एंड सेंड देम इंस्टेड ऑन द कैंपेन। अब यहाँ पे मुस्लिम ह्यू हैड कैप्चर सिटी ऑफ जेरूसलम, दिस लेड टू द सीरियस कंपेन कॉल्ड क्रूसेड्स। देयर कंपेन सर्व एज द चर्च एंड कंप्लीटली अल्टर स्टेटस नाइट। ओनली दीज नाइट्स ऑफ द बिलोंग टू द क्लास ऑफ नोबल्स, बट द एंड ऑफ द 11th सेंचुरी फ्रांस लेटर जर्मनी हम्बल ओरिजिनल दीज। सो इसमें हम देखें कि आइडिया ऑफ थ्री ऑर्डर्स ऑफ द फर्स्ट फार्मूलेट फ्रांस, जो पहले मैं जो ऑर्डर जो हमें आइडिया आया वो कहाँ से आया, फ्रांस से फार्मूलेट हुआ जो कि अर्ली 11th सेंचुरी में हुआ। डिवाइडेड सोसाइटी इन द, उसमें तीन सोसाइटी तीन पार्ट्स में डिवाइड थी। फर्स्ट है हु प्रे दोज फॉट, पहले एक तो प्रेयर्स करते थे जो कि धर्म पर आधारित थी, दूसरा था जो कि फॉट्स मतलब सोल्जर वगैरह का वर्क करते थे, तीसरा टिल्टेड लैंड मतलब जिनका काम था खेती पाती करना। दिस डिवीजन ऑफ सोसाइटी थ्री ऑर्डर, इन्हीं को डिवीजन को हम थ्री ऑर्डर बोलते थे, टू कंट्री टू कंसोलिडेट एंड डोमिनेंट रोल ऑफ सोसाइटी। दिस हेल्प द इमर्जेंस ऑफ न्यू वॉरियर ग्रुप कॉल नाइट्स, मतलब अब नाइट्स की डिफिनेशन में आप क्या लिखेंगे कि जो हम यहाँ पे लिखेंगे द ऑर्डर वॉज सपोर्टेड बाय द चर्च टू कंसोलिडेट डोमिनियन रूल इन सोसाइटी। दिस हेल्प टू इमरजेंस न्यू वॉरियर, और उसी को बोल देते हैं हम लोग नाइट्स। तो चर्च पेट्रोनाइज दिस ग्रुप यूज देम प्रोपोगेट देयर आइडिया पीस ऑफ गॉड एंड अटेम्प्ट वॉज डायरेक्ट वॉरियर अवे फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट अमंग देम एंड स्लेव्स। अब यहाँ पे एंड सेंड देम इंस्टीट्यूट ऑफ कंपेन अगेंस्ट द मुस्लिम हु आर कैप्चर द सिटी ऑफ जेरूसलम। यहाँ पे देखिए चर्च जो पेट्रोनाइज करता था ग्रुप एंड यूज टू प्रोपोगेट देयर आइडिया, मतलब जो चर्च होता था पेट्रोनाइज करता था, एक ग्रुप बना पेट्रोनाइज करता था जिसको आइडिया ऑफ पीस ऑफ गॉड मतलब एक शांति का आइडिया देता था। अटेम्प्ट वॉज डायरेक्ट वैरियर अवे फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, सबको सिखाता था कि आप कॉन्फ्लिक्ट से हमें दूर रहो। एमंग देमसेल्फ एंड सेंड देम इंस्टीड ऑन द कंपेन अगेंस्ट द मुस्लिम, मतलब इनको मुस्लिम के अगेंस्ट जो होता कंपेन के अगेंस्ट इनको बताता रहता था। हु हैड कैप्चर्ड सिटी ऑफ जेरूसलम, और वो मुस्लिम जो क्या करते थे, जैसे मान लीजिए इनका एक सिटी था जिसको मुस्लिम लोगों ने कैप्चर्ड कर लिया था, तो जो चर्च था इनको शांति का वो दिक्कत मतलब बताता रहता था इन लोगों को। दिस लेड टू द सीरीज ऑफ कंपेन कॉल्ड क्रूसेड, और ये सीरीज ऑफ कंपेन क्या कहलाती थी, क्रूसेड्स कहलाती थी। द कंपेन इन द सर्विस गॉड एंड चर्च कंप्लीटली अल्टर्ड स्टेटस ऑफ नाइट्स। Originally these knights did not belong to the class of noble, but end of the 11th century France and century later Germany, the humble of origins of these warriors were forgotten by the 12th century noble were wanted to known as knights. अब यहाँ पे देखेंगे जो nobles थे उस समय किस नाम से जाने जाते थे, knights नाम से वहाँ पे जाने जाते थे। तो इस सारे chapters में हम लोगों ने पूरा ये सारी चीज़ें डिटेल में पढ़ी, और इस बार आपको कम से कम इसको दो या तीन बार आपको बार बार पढ़ के और एक अपना सॉलिड नोट्स बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको चैप्टर समझ में आने वाला, क्योंकि चूँकि एनसीईआरटी है, हमने उसमें कई भी सारी चीज़ें देखी जो आपको मुझे इस तरीके से पढ़ाना चाहिए, वहाँ चौहान है पृथ्वीराज, तो उसके बारे में थोड़ा थोड़ा हमें बताना चाहिए था, बट यहाँ पे बुक्स में अवेलेबल नहीं थी, तो अगर मैं अगर बाहर से बताता तो आप लोगों को काफ़ी बड़ा मतलब ये वीडियो हो जाती, तो मैंने सिर्फ जो आपकी यहाँ बुक में लिखा उसी को एक्सप्लेन किया। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, जो कि चैप्टर 4 हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, चैनल को अगर आप लोगों को कुछ अच्छा लगे या कुछ पॉइंट्स वीक लगे तो उसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।